इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के डायगनल्स, दोनों डायगनल्स उस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए सी और बी डी, इसके दो डायगनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पर। हम देखते हैं कि ये दोनों डायगनल्स इस पूरे पैरेललोग्राम को 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ट्रायंगल ए एम बी, ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल डी एम सी और ट्रायंगल एम डी ए या ए एम डी। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया इक्वल है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स है वो एक दूसरे के बाइसेक्टर्स होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम सी और बी एम इज इक्वल टू एम डी। मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी में, ये देखिए ट्रायंगल ए बी डी है, इसमें ए एम एक मीडियन है। अगर ए एम एक मीडियन है तो ये मीडियन इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम, ये होना चाहिए। अब आप ट्रायंगल लीजिए ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में हम देखते हैं कि यहां पे बी एम एक मीडियन है। अब अगर बी एम मीडियन है तो ये बी एम मीडियन जो इस ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। बट ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम डी के इक्वल होना चाहिए इस वाले के, क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल थे, बिकॉज ये मीडियन थी इस ट्रायंगल के अंदर, ये मीडियन थी, ये दोनों एरियाज इक्वल थे। यहाँ हम बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल बी ए सी में चूंकि ये मीडियन है, अब ये दोनों एरियाज इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ए डी सी की, तो डी एम एक मीडियन होगा क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए सी का। अगर डी एम मीडियन है तो ये मीडियन भी इस ट्रायंगल ए डी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। तो इस तरह से ये चारों एरियाज इक्वल हुए। एक बार और हम कंफर्म कर लेते हैं, देखिए एम मिड पॉइंट है तो सी एम भी एक मीडियन है, ये मीडियन भी इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल बी डी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इन दोनों का एरियाज भी इक्वल है। तो इस तरह से हम देखते हैं इन दोनों का एरियाज इक्वल है, इन दोनों का भी इक्वल है, इन दोनों का भी एरियाज इक्वल है और इन दोनों के एरियाज भी इक्वल है। तो इस तरह से चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगनल्स पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं।